और अगर किसी स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, मिस हो गई हैं किसी रीजन से उनके पास नहीं है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उन वीडियो का लिंक ले सकते हैं और वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। लेकिन यहां पर ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम यहां देखते हैं जो हमारे साइन होते हैं, क्योंकि मैंने जनरली देखा है कि बच्चों से जो मिस्टेक्स हो जाती हैं वो साइन में ज्यादा होती हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कहां पर माइनस आना है कहां पर प्लस आना है। तो सबसे पहले हम वो क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, कैसे वैल्यू कटती है, ये हमें देखना होगा, उसके बाद हम इसको सॉल्व बहुत इजीली कर पाएंगे। तो यहां पर जहां पर हमने ये किया था, मैंने बताया था कि अगर हमारे पास कोई मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों वैल्यू प्लस की है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो भी प्लस में आता है। लेकिन अगर दोनों वैल्यू माइनस की हो जाती हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो भी प्लस में आता है। लेकिन अगर एक वैल्यू माइनस की है दूसरी प्लस की है, या एक वैल्यू प्लस की है दूसरी माइनस की है, तो रिजल्ट हमारा माइनस में आता है। तो यहां पर मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया हुआ है, लास्ट वीडियोस में मैंने बताया था सेम साइन का मल्टीप्लाई होने पर प्लस आता है, सेम साइन का मल्टीप्लाई होने पर प्लस आता है और डिफरेंट साइन का मल्टीप्लाई होने पर माइनस आता है। तो हम इसे याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, सेम साइन तो रिजल्ट प्लस का आता है, यहां पर लिखेंगे डिफरेंट साइन तो रिजल्ट माइनस का आता है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हमारे पास सेम साइन में रिजल्ट प्लस का आता है, डिफरेंट साइन में रिजल्ट माइनस का आता है। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है जो हमारे सारे क्वेश्चंस में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होने देगी। तो आपको ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, सेम साइन प्लस और डिफरेंट साइन माइनस। तो यहां पर हम देखते हैं हमारे पास यहां पर मल्टीप्लाई करने के लिए दिया गया है, और यही रूल जो मैं आपको बताने जा रहा था, ये रूल मल्टीप्लाई में भी अप्लाई होता है और डिवाइड में भी अप्लाई होता है। तो यहां पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले देखते हैं कोई वैल्यूज ऐसी तो नहीं है जो ऊपर और नीचे कट रही है। हमने देखा यहां पर कोई भी वैल्यूज ऐसी नहीं है जो ऊपर नीचे कट रही है, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 जा हमारे पास आ जाएगा 63 और 2 4 4 2 जा आ जाएगा 8। और यहां पर हमें देखना है, यहां पर मल्टीप्लाई तो हो चुका है, तो हमें क्या करना है, अब साइन लगाना है। साइन आपको यहां से पता चल जाएगा, सेम साइन होता है तो पॉजिटिव आता है और डिफरेंट साइन होता है तो नेगेटिव आता है। यहां पर कैसे साइन लग रहे हैं आपको, सेम लग रहे हैं या डिफरेंट लग रहे हैं, यहां तो डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है, ये पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव कैसे है क्योंकि यहां तो प्लस का साइन नहीं है। आपको एक बात बहुत क्लियर हो जानी चाहिए, अगर किसी भी वैल्यू के आगे, किसी भी रेशियो नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता तो वैल्यू पॉजिटिव होती है, इट मींस ये वैल्यू हमारी प्लस की है, ये माइनस की है, तो साइन माइनस का आएगा। कैसे पता चला, बिकॉज डिफरेंट साइन माइनस का साइन। क्लियर हो गया आपको? और एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं, यहां पर आपको कोई भी एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एलसीएम हमें लेना पड़ता है जब हम एडिशन करते हैं या सबट्रैक्शन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा या इसको आपको पुट करना है। अब देखिए यहां पर हमारे पास दिया है 3/10 और यहां पर दिया है -9। तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि यहां पर हम 1 पुट कर दें। अगर हमारे पास कोई नंबर ऐसा आता है, रेशियो नंबर आता है जिसमें कोई वैल्यू अपॉन में नहीं होती है, तो उसके प्लेस पर हम उसके प्लेस पर हम 1 लगा सकते हैं। अब देखते हैं 9 3 जा 27, 10 1 जा 10। अब हमने मल्टीप्लाई तो कर दिया, प्रोडक्ट तो हमने कर दिया,
अब हमें लगाना है साइन, जो बहुत ही ध्यान से, जिसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखते हैं साइन प्लस का है, ये माइनस का है, तो इसका मतलब डिफरेंट है। डिफरेंट साइन में हमें क्या लगाना होता है? माइनस, बहुत सिंपल। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखते हैं आपके पास जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है माइनस का 6/5 एंड 9/11। तो यहां पर जब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9/6 होता है 54 एंड 11/5 जो होता है 55। हमने मल्टीप्लाई तो कर दिया, अब हमें क्या करना है? अब हमें साइन लगाना है। साइन कैसा आना चाहिए? यहां सेम साइन होगा तो पॉजिटिव साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा, डिफरेंट होगा तो माइनस का साइन आएगा। देखते हैं यहां पर माइनस का साइन है, यहां पर प्लस का साइन है, तो साइन कैसे है? डिफरेंट। तो डिफरेंट के केस में आपको साइन कैसा लगाना पड़ता है? माइनस का। तो यही इसका आंसर होगा। बहुत ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बहुत अच्छी तरह से इन्हें कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपसे कहा गया 3/7 का मल्टीप्लाई कीजिए माइनस का 2/5 से। यहां पर देखते हैं कोई ऊपर नीचे कोई वैल्यूज तो नहीं कट रही है? नहीं, यहां पर कोई वैल्यूज नहीं कट रही है। 2 की टेबल में 7 नहीं आता, 3 की टेबल में 5 नहीं आता। इट मीन्स हमारी वैल्यूज यहां पर नहीं कट रही है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आ जाता है एंड 7 का 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 आ जाता है। तो यहां पर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई कुछ करना नहीं है, एलसीएम हमें लेना नहीं है। तो 3 2 6 एंड 7 5 35। अब देखिए साइन कैसे पता चलेगा? साइन तो हमें ये बताएगा। कैसे बताएगा साइन? यहां पर साइन डिफरेंट है या सेम है? यहां पर हमें लगा कि यहां पर तो साइन डिफरेंट है। कैसे पता चला? ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है, और अगर साइन डिफरेंट होते हैं तो माइनस का साइन आता है। और अब तो आपको इसको समझ में अच्छी तरह आ ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। आपके पास कहा गया 3/11 का मल्टीप्लाई 2/5 से कीजिए। यहां पर भी हमें लगा कि यहां पर कोई वैल्यूज ऊपर नीचे की नहीं कट रही है। कैसे? चेक करना पड़ता है, 3 की टेबल में कहीं 5 तो नहीं आता? नो, 3 की टेबल में तो 5 नहीं आता है। 2 की टेबल में 11 तो नहीं आता? नहीं, 3 की टेबल में कोई 2 की टेबल में 11 भी नहीं आता। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। 3 2 6 एंड 11 5 55। तो आपके पास इसका आंसर आ गया, ये आ गया 6/55। तो आपके पास एक क्वेश्चन फोर्थ पार्ट भी हो गया, फिफ्थ पार्ट भी हो गया। अब देखते हैं सिक्स पार्ट को। सिक्स पार्ट में हमारे पास दिया गया है 3/-5 एंड -5/3। यहां पर आपसे कहा गया मल्टीप्लाई कीजिए, प्रोडक्ट कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे क्या कोई ऊपर नीचे की वैल्यू है जो कट रही है। तो हमने देखा 3 1 3 3 1 3। आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर कोई ऊपर और नीचे की वैल्यू होती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज होती है, हम उनको कट कर सकते हैं। कहां पर? इन केस ऑफ मल्टीप्लायर, इन केस ऑफ मल्टीप्लायर, ओनली मल्टीप्लायर। केवल मल्टीप्लाई के केस में हम ऊपर नीचे की वैल्यू को कट कर सकते हैं। सिमिलरली -5 5 -5 5, सेम वैल्यू थी, ये भी कट गई। तो बचा क्या? 1 1 1 एंड 1 1 1 और 1/1 तो 1 ही होता है। तो हमारे पास ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और हमारा आंसर 1 आ गया। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, जो हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से आप कर रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर है। यहां पर अभी तक कोई ऐसा लगा नहीं है जिसमें कोई टिपिकल बात आई हो। तो अब देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन में आपसे क्या दिया हुआ है। आपसे कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ -4 / 2/3। यहां पर अब हमें डिवाइड करना है। अभी तक हमने ये सीखा था एडिशन कैसे होता है, फिर सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, फिर अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने सीखा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अब हम सीखेंगे डिवाइड कैसे होता है। तो सबसे पहले एक बात आपको बहुत ही क्लियर हो जानी चाहिए, जब भी आपके पास कोई रेशनल नंबर दिया हो और उसके अपॉन में कोई वैल्यू नहीं रखी होती तो हम 1 तो लगा ही सकते हैं। तो इट मीन्स इसके अपॉन में हम 1 तो रख सकते हैं। मतलब अगर कभी कोई वैल्यू आपके पास अपॉन के फॉर्म में नहीं दी हो तो आप 1 अपनी मर्जी से रख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं डिवाइड वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है। मैं आपको बता दूं कि जब डिवाइड करना होता है
तो डिवाइडली हम डिवाइड जो हम करते हैं वो डायरेक्टली नहीं करते हैं, हम उसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, डिवाइड के प्लेस पर क्या लगा देते हैं मल्टीप्लाई, और जो राइट हैंड साइड की वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। इट मींस रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या होता है, रेसिप्रोकल का मीनिंग होता है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू को न्यूमरेटर के प्लेस पर ले आते हैं और न्यूमरेटर की वैल्यू को डिनोमिनेटर के प्लेस पर ले आते हैं, इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल करना। रेसिप्रोकल मीनिंग होता है किसी भी रेशनल नंबर को उल्टा कर देना, मतलब रेसिप्रोकल कर देना, ये आपको बहुत ही क्लियर हो जाना चाहिए। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, हमें करना क्या है, जब भी कभी हमारे पास डिवाइड करना होता है हम डिवाइड डायरेक्टली नहीं करते, हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, और राइट हैंड साइड ये जो साइड है इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं, ये जो साइड है लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। आपको क्या करना पड़ता है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, जो राइट हैंड साइड वैल्यू रखी होती है हम उसको क्या करते हैं उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। और अब मैं समझता हूं रेसिप्रोकल का मीनिंग आप सबको समझ में आ जाना चाहिए। रेसिप्रोकल का मीनिंग होता है वैल्यू को उल्टा कर देते हैं, तो हमने यहां पर मल्टीप्लाई करके 3/2 कर दिया। अब देखते हैं क्या कोई ऊपर नीचे की वैल्यू कट रही है क्या, या यस बिल्कुल कट रही है, 2 से ये वैल्यू कट जाती है, 2 1 2 एंड 2 2 4, क्योंकि यहां -4 था तो माइनस का साइन आ जाएगा। आप देखिए कैसे काटा है मैंने, 2 की टेबल में 4 आता है हम सबको पता है, 2 1 2 एंड 2 2 4, लेकिन ये 4 तो नहीं था ना, ये क्या था -4, तो इसलिए यहां पर -2 लग गया, सिंपल हो गई बात। अब आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3 का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है 6, और 1 का 1 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है 1। अब देखिए यहां पर साइन डिफरेंट है या सेम है, यहां पर साइन तो डिफरेंट है, डिफरेंट साइन में क्या आता है ये माइनस की वैल्यू है और ये प्लस की वैल्यू है, तो आपके पास आएगा -6/1 और -6/1 को आप -6 भी कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा यहां पर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, और मैं अगर सेकेंड पार्ट कराऊंगा तो हो सकता है फर्स्ट पार्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। यहां पर हमारे पास वैल्यू रहा है -3/5 डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है -3/5 डिवाइडेड बाय 2, और सबसे पहला काम हम 2 के अपॉन में 1 लगा देते हैं। मैंने आपको बताया किसी भी वैल्यू के अपॉन में कोई वैल्यू नहीं दी होती है तो 1 तो हम अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। अब हमें क्या करना है, माइनस का 3/5 जो वैल्यू थी उसमें हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है, हमें क्या करना है डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, जो 2/1 था उसको हमें रेसिप्रोकल करना है, क्योंकि मैंने बताया था कि हमें जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल करना होता है, और मल्टीप्लाई डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। अब देखते हैं क्या कोई वैल्यू है जो ऊपर नीचे कट रही है क्या, हमने देखा यहां पर तो कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो कट रही हो, 2 की टेबल में 3 तो आता नहीं है और कोई वैल्यू कट नहीं रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 एंड 5 2 जा 10। हमने देखा यहां पर तो हमारे पास 3/10 आ गया, अब साइन का हमें ये जो बॉक्स मैंने बनाया हुआ है बॉक्स हमें सब कुछ बता रहा है कि साइन कौन सा आएगा, डिफरेंट होते हैं तो माइनस का साइन आ जाता है, सेम होते हैं तो प्लस का आ जाता है, तो यहां पर तो डिफरेंट है तो साइन माइनस का आएगा, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में आपके पास क्या आ गया है -4/5 डिवाइडेड बाय -3। आप -3 को सबसे पहले -3/1 रख सकते हैं, इतना काम आप करना है आपको। यहां पर सबसे पहले देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड है, कभी आपसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कहीं कहीं बच्चों से मिस्टेक हो जाती है, वो कहते हैं अच्छा रेसिप्रोकल करना था तो वो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल कर जाते हैं, जो आपको नहीं करना है। आपको कौन सी साइड का रेसिप्रोकल करना है, जो राइट हैंड साइड पर रखी हुई है। तो हमने यहां पर क्या किया, -4/5 डिवाइड का आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और -3/1 ये हो जाता है -1/3।
देखिए जब भी हम किसी का रेसिप्रोकल करते हैं आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो ये जो साइन है वो ऊपर ही रहेगा, न्यूमरेटर के प्लेस पर ही रहेगा, उसका रेसिप्रोकल नहीं होता। साइन का कभी रेसिप्रोकल नहीं करने की जरूरत नहीं होती है। अगर हमारे पास कोई साइन है माइनस का तो वो माइनस रहेगा, कहां था पहले साइन? न्यूमरेटर में, वो अभी भी न्यूमरेटर में ही है। अब देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 वन जा कितना होता है 4 और 5 3 जा कितना होता है 15। अब देखेंगे साइन किसका आएगा, यहां पर भी साइन माइनस का है, यहां पर भी साइन माइनस का है, इट मींस सेम साइन है। और ये बॉक्स हमें क्या बता रहा है कि सेम साइन में तो पॉजिटिव मतलब प्लस का साइन यूज होता है, तो हमारे पास यहां पर प्लस का साइन आएगा। और प्लस का साइन लगाना कोई जरूरी नहीं होता, अगर आप प्लस का साइन नहीं लगाते तो भी चल जाता है। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 4/15, यही इसका आंसर होगा। आप बहुत ध्यान से इसे अच्छी तरह समझिएगा। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपके पास क्या गया, -1/8 / 3/4। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, माइनस का 1/8 आपको एज इट इज रखना है, डिवाइड के प्लेस पर मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, और 3/4 को आपको करना है 4/3। मैंने आपको बताया था राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को आप रेसिप्रोकल कर देंगे और डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। तो यहां पर देखते हैं ऊपर नीचे की कोई वैल्यूज जो है वो कट रही है कि नहीं। तो हमने देखा 4 और 8 की वैल्यूज कट रही है, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। अब देखेंगे 1 1 जा 1 एंड 3 2 जा 6। और देखते हैं यहां पर साइन किसका आएगा, ये साइन तो ये बॉक्स हमें बता रहा है, इस बॉक्स ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि साइन में कोई भी मिस्टेक नहीं होने देगा। तो यहां पर हमारे पास यहां पर साइन कैसे है, डिफरेंट, ये माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है, और डिफरेंट साइन में कौन सा आता है, माइनस आता है। तो माइनस का 1/6 ये हमारा इसका आंसर आ गया है, क्वेश्चन बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, -2/13 / 1/7। तो यहां पर हमें क्या करना है, माइनस का 2/13 डिवाइड के प्लेस पर मल्टीप्लाई और 1/7 के प्लेस पर 7/1। तो हम देखते हैं यहां पर हमें क्या करना पड़ा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना पड़ा, 1/7 जो राइट हैंड साइड वैल्यू रखी थी, यहां पर ये वैल्यू राइट हैंड साइड पर रखी हुई है और ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पर रखी हुई है। जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, वो हमने कर दिया है। अब देखते हैं यहां पर हमें क्या करना पड़ा, कोई वैल्यू है जो ऊपर नीचे कट रही है क्या, 7 की टेबल में क्या 13 आता है? नो, 7 की टेबल में तो 13 नहीं आता, तो इतने सब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं क्या कोई वैल्यू कट रही है कि नहीं, अगर वैल्यू नहीं कट रही होती तो फिर हमारा लास्ट ऑप्शन होता है मल्टीप्लाई करना। तो 7 2 जा 14 13 1 जा 13। साइन क्या आएगा, साइन तो माइनस और प्लस मतलब डिफरेंट है, डिफरेंट साइन पर माइनस आता है, ये बात बहुत ही क्लियर हो जानी चाहिए, ये इसका आंसर होगा। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस पूरे चैप्टर में मुझे सबसे इजी यही पार्ट लगा है, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। यहां पर देखते हैं माइनस का 7/12 डिवाइड है, डिवाइड को आपने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, आपके पास आया -2/13 और -2/13 जब आप डिवाइड में चेंज कर दिया है, आपने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ये है, राइट हैंड साइड की वैल्यू ये है, आपको राइट हैंड साइड की वैल्यू को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो हम यहां पर रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा -13/2। तो हमें एक बात और भी क्लियर होनी चाहिए, जो मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूं, कि जब भी हम किसी वैल्यूज को, किसी रेशनल नंबर को रेसिप्रोकल करते हैं, तो जो उसका साइन न्यूमरेटर में होता है उस साइन को रेसिप्रोकल के केस में नीचे नहीं ले जाते, उसको ऊपर ही रहने देते हैं। माइनस का साइन था हमारे पास जो न्यूमरेटर में था, अब भी हमने उसे न्यूमरेटर में ही रखा है, तो साइन का रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो यहां पर देखा कोई वैल्यू है जो ऊपर नीचे कट रही है क्या, यहां पर तो कोई ऐसी वैल्यू दिख नहीं रही है जो ऊपर नीचे कट रही है, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 13 का 7 से मल्टीप्लाई किया तो 91 आ जाता है, 12 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ जाता है। अब हमें देखना है साइन, साइन हमें देखना है, ये माइनस का है और ये भी माइनस का है,
जब दोनों साइन सेम होते हैं तो सेम साइन के केस में प्लस की वैल्यू आती है, तो यहाँ पर ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी। और प्लस का साइन लगाना कोई जरूरी नहीं होता, आप उसे 91/24 रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट हो गया है। अभी देखते हैं इसका लास्ट पार्ट। तो अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट आपसे कहा गया है 3/13 / -4/65। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 3/13 को तो एज इट इज रखना पड़ेगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया था जो राइट हैंड साइड वैल्यू होती है उसको आप रेसिप्रोकल कर देते हैं जब आप साइन को चेंज करते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो चेंज करके वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -65/4। मैंने यहां पर -4/65 को रेसिप्रोकल कर दिया है तो वैल्यू आ गई -65/4। माइनस की वैल्यू जो पहले भी न्यूमरेटर में रखी गई थी अभी भी वो न्यूमरेटर में है, हम साइन का रेसिप्रोकल नहीं करते। तो यहां पर हमने देखा कि यहां पर कोई वैल्यू है जो ऊपर नीचे कट रही है, तो देखा कि 13 1 13 एंड 13 5 65, क्योंकि यहां पर 65 ना होकर के -65 है तो यहां पर -5 आ जाएगा। तो 13 5 65 जो कि माइनस का है, अब देखते हैं कि इनका मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलता है। 5 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15, 4 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4। यहां पर साइन देखते हैं क्या आता है, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है ये नेगेटिव वैल्यू है और इसका मतलब डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन के केस में माइनस का साइन आता है, तो हमारे पास ये आ जाएगा -15/4। यही इसका आंसर होगा। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आप इसको बहुत अच्छी तरह ध्यान से करें। अगर किसी ने कोई वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियोस को रिपीट करके देखें। इस चैप्टर को आप बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, बहुत इजी चैप्टर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।